नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। बहुत ही अलग वीडियो जो है मैं लेके आया। इस वीडियो की कोई प्लानिंग जो है मैंने नहीं की थी, बट मुझे लगा था कि इनके बारे में कभी बात करूंगा, जो इस वीडियो में जो बात करूंगा उसके बारे में मुझे लगा कभी ना कभी बात करेंगे, बट आज मौका मिल गया तो मैं कर ही लेते हैं। मौका है दस्तूर सब कर लेते हैं। अमेरिका में हूँ मैं, US में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में जो है, और जैम लग रखा है सड़क पर, जो आप देख ही पा रहे होंगे। अदरवाइज़ यहाँ सड़क पर कोई खड़ा नहीं रहता ऐसे, बट जैम लग रखा है सड़क पर और काफ़ी टाइम हो गया जैम लगे हुए। हालांकि एक आगे साइन बोर्ड लगा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था कि 12 miles दूर पे एक क्रैश है, तो जैम वैम लगा होगा। बट उस जैम से जो है ज़्यादा उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी है हमें, क्योंकि हमें देखा ही नहीं अभी जैम क्या है। मैं तो आपको सिंपली कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। इधर से लगभग 3 से 4 मील दूर तक मैं देख पा रहा हूँ। मील मतलब आप 1.6 कर लेना किलोमीटर निकल आएगा, तो आप मान लो कि ऑलमोस्ट 6-7 किलोमीटर दूर जो है क्रैश हुआ हुआ है। बट ये पूरी साइड खाली है, 2 लेन की ये रोड है टेक्निकली। एक साइड 2 लेन है, एक में और जो ट्रक खड़ा है, एक में यहाँ पे मैं अपनी गाड़ी जो है ये टेस्ला मैंने यहाँ लगा रखी है। एक हार्ले डेविडसन वाला बंदा बीच बीच में निकल के आ रहा है, पता नहीं किधर जाएगा वो। बट एनीवे, दो यहाँ पे जो है 2 लेन है, लेकिन फिर भी इमरजेंसी लेन जो है वो खाली छोड़ी हुई है, कोई नहीं है इसमें। 3 मील इधर देख पा रहा हूँ, 1.5 मील मुझे इधर दिख पा रहा है, उसके आगे जो है एक पुलिया गया तो मुझे दिख नहीं पा रहा है। ये बीच में बाइकर जो है वो जरूर इधर उधर से निकल रहा है। वो बाइकर भी यहाँ से नहीं गया, वो उधर उधर से निकल के गया है। सोचो आप क्यों खाली छोड़ी, क्योंकि सिंपल सा नहीं है। मैं इनको पता है कि क्रैश हुआ है, कुछ भी हुआ है, इमरजेंसी सर्विसेज जो है उनको जाना है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एम्बुलेंस पुलिस जब जाएगी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट यहाँ से पुलिस गई भी थी, तो वो लोग जो है, इनफैक्ट एक गाड़ी जो है अभी आ रही है, अभी आते आते टाइम लगेगा क्योंकि स्लो आ रही है, क्योंकि वो शायद वो रोड ब्लॉकेज वाली व्हीकल है, पर उसको आते आते टाइम लगेगा। और वो आराम से आते हैं, मतलब वो ऐसे, वो भी ऐसे हरी में नहीं जाएंगे, और उनको पता है कि कहीं भी जैम नहीं लगा होगा, क्लियरली निकलेंगे। तो ये सेंस है, इतने सारे लोगों में से किसी ने जो है उल्टा काम करने की कोशिश नहीं की है। एक तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये हमने सीखी। उसके बाद में सेकंड चीज़ जिस पर बात करना चाहता हूँ वो ये रोड। अपने यहाँ सड़कें टूट जाती है, बारिश यहाँ पे भी है, यहाँ पे तो बर्फ़ भी पड़ती है जहाँ पे मैं हूँ, गर्मी पड़ती है यहाँ पे। एरिजोना में देख रहे हो, रेगिस्तान हो गया पूरा, गर्मी पड़ पड़ के। बर्फ़ भी कभी कभी पड़ती है यहाँ पे, ज़्यादा नहीं पड़ती है। और ऑब्वियसली ट्रक्स, हैवी व्हीकल्स यहाँ पे भी हैं। हम लोग कई बार एक्सक्यूज़ देते हैं, हमारे यहाँ ट्रक हैवी होते हैं, ये देखो ये इससे हैवी तो क्या ही ट्रक होंगे, ये यहाँ से लेके वहाँ तक जो है इतना लंबा ट्रक यहाँ पे ही हो गया है। उसके बाद में फास्ट गाड़ियाँ यहाँ पे भी चलती है, 75 mph की स्पीड लिमिट है यहाँ पे, जो कि रफली ट्रांसलेट्स टू ऑलमोस्ट 130 km/h। नीचे हम आ जाते हैं क्योंकि वो मैं जो सोच रहा था वही है, वो जो रोड पे मतलब व्हीकल होता है ना, वो रोड पे बताता है कि आपको जो है रुकना या नहीं रुकना, शायद वही व्हीकल है या कुछ तो रिकवरी व्हीकल टाइप ही कुछ लग रहा है, जो कि आगे जाना चाह रहा है तो जा रहा है। अगर किसी का दरवाज़ा खुला होता है कोई रोड पे, जैसे वो बंदा रोड पे है, तो ये सायरन बजा देगा। तो सिंपली यही मैं कहना चाह रहा था कि वो सायरन बजाते हैं और बजा ही दिया भाई ने सायरन। तो ये इमरजेंसी रेस्पॉन्स व्हीकल है। अब ये प्रॉबली आगे जहाँ पे क्रैश हुआ है वहाँ पे जाके व्हीकल को हटाएगा, और वो पॉसिबिलिटी जो है जाम खुलने की बढ़ जाएगी हमारे लिए। बट रोड की बात हम कर रहे थे, आप यहाँ के रोड की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से यहाँ पे रोड टूटती नहीं है। सबसे पहले तो ये देखो, यहाँ पे जो है ये काइंड ऑफ एन एक्स्ट्रा एरिया है, इमरजेंसी लेन का पार्ट है, बहुत ही फाइन। यहाँ पे जो है प्रॉपर डामर का भी अच्छे से इस्तेमाल किया गया, और जो रोड़ी जिसको हम कहते हैं, जो छोटे पत्थर है, वो भी सही तरीके से, थोड़े जो पत्थर की साइज़ है वो वही है यहाँ पे जो अपन ने इंडिया में देखा है, वही वाले पत्थर की साइज़ है लगभग। लेकिन इंपॉर्टेंट बिट क्या है, गाड़ियाँ यहाँ तो चलती नहीं है, वो तो इमरजेंसी लेन है, गाड़ियाँ चलती हैं मोस्टली यहाँ पे। यहाँ पे जब आप देखोगे, यहाँ थोड़ा सा आपको फ़र्क नज़र आएगा, वो फ़र्क ये है कि इस वाइट पट्टी के जस्ट इधर जो है, जो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया रोड़ी है, बहुत ही फाइन क्वालिटी की है, बहुत ही छोटी क्वालिटी की है। अब इनकी वजह से जो है कई लोग आर्ग्यू करते हैं, मतलब कई लोगों का कहना है कि इसमें आवाज़ ज़्यादा होती है, या कई अलग अलग तर्क जो है ज़रूर दिए जाते हैं। आई डोंट नो, मेरे को टेक्निकलिटी नहीं पता, बट मुझे पता है कि टूट नहीं रही है। इसके दो रीज़न है, एक तो बहुत ही फाइन और अच्छी क्वालिटी का मिक्सचर जो है डामर और रोड़ी का रखा गया है, जो ले जिस तरीके से की गई, इसकी फाउंडेशन जो है, इसके नीचे का जो एरिया है वो बहुत ही सपाट करके जो है लगाया गया है, वो गिरता नहीं। मैं नामीबिया में गाड़ी चला रहा था, स्कॉर्पियो थी हमारे पास में, नई वाली स्कॉर्पियो है, और वहाँ पे भी जो है 160 पे हम चला रहे थे, रोड नहीं थी वहाँ, बिटुमेन सरफेस नहीं लाया किया गया था वहाँ पे, सिंपली ऐसे ग्रेवल में हम गाड़ी चला रहे थे 160 पे, जस्ट बिकॉज एक चीज़ की वजह से वो पॉसिबल था, क्योंकि हमें पता था कहीं पे भी गड्ढा या ऐसे कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं आएगा। वो जो मतलब डांबर नहीं बिछाया, लेकिन जो रोड़ी बज रही है वो भी एकदम प्लेन जो है बिछाई गई है, तो उसके वजह से हम 160 पे चला पा रहे थे गाड़ी। चलान भी कट जाता उस दिन, वो बात अलग है, उसके बारे में कभी और जिक्र करेंगे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो है वो है। और दूसरा फैक्टर जो है वो ये कि रोड पानी से कम टूटती है। हम सोचते हैं कि पानी आ गया, बारिश आ गई, रोडें टूट जाएगी, एक्चुअली पानी से कम टूटती है रोड। रोड का सबसे बड़ा दुश्मन होता है क्रूड ऑयल और उससे निकले हुए बाय प्रोडक्ट, जैसे कि डीजल, पेट्रोल, गैसेस। अब आप कहोगे ये तो हर गाड़ी में होते हैं, यहाँ की गाड़ी में भी होंगे, इनफैक्ट ये डीजल चल रहा है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रिक है, वो पीछे पेट्रोल है, तो क्या सीन है फिर, हमारी गाड़ियाँ जो है वो क्यों टूटती है, हमारी सड़कें जो है वो क्यों टूटती है। वेल एक्चुअली यहाँ पे गाड़ियाँ जो है नॉर्म्स
इमिशन नॉर्म्स हमारे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमारे यहाँ ज़्यादा है स्ट्रॉन्ग इमिशन नॉर्म्स है, बट फिर भी सारी गाड़ियों की प्रॉपर जो है जाँच होती रहती है कि भैया आपकी गाड़ी पोल्यूशन कर रही है नहीं कर रही, कोई भी अनबर्न फ्यूल बाहर नहीं निकलता। हमारे देखा गाड़ियों धुआं निकलता है एकदम से, वो पूरा धुआं अनबर्न फ्यूल है, वो सड़क पे सेटल होता है और उसकी वजह से डामर ओड़ी टूटने लग जाती है। तो ए हम कंस्ट्रक्शन क्वालिटी हमारी अच्छी नहीं है, डामर जो है वो और उसका मिक्सचर जो है, ओवरऑल इंजीनियरिंग हमने अच्छी नहीं की है, लेट्स अच्छे से नहीं किया उसको, और दूसरा फिर हमारे यहाँ पे जो है वो डीजल पेट्रोल गिरता रहता है सड़क पे और उसकी वजह से जो है इवेंचुअली धीरे धीरे डामर टूटता है, और जब बारिश होती है तो डामर पूरा बाहर निकल जाता है, रोड़ी पूरी बाहर निकल जाती है और गड्ढे हो जाते हैं। दैट इज़ द केस। अब ये दो चीज़ें हैं और मैं एक और रेस्पॉन्स व्हीकल आ रहा है, इमरजेंसी रेस्पॉन्स व्हीकल, दीदी जो है थेला खोल के बैठी है अपनी, मैं इंग्लिश वर्ड बोलूँगा इसका तो उनको समझ में आ जाएगा कि मैं उनकी बात कर रहा हूँ, बट वो थैला बंद करके साइड में हो जाए तो ठीक है, दरवाज़ा भी खोल रखा उन्होंने, वरना वो पुलिस वाला पुई 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 करके जो है वो करेगा। हम लोग साइड में आ गए, मैं एक्चुअली थोड़ा सा पीछे चलते हैं, वेद भैया कैमरा पकड़ रहे हैं, कैमरा मैन वेद के साथ में थोड़ा सा पीछे चलते हैं उधर, ताकि उनको दिख पाए लोगों को कि गाड़ी किधर से आ रही है। अभी भी जाम खुलने की स्थिति नहीं है, कुछ लोग ज़रूर यू टर्न मार के दूसरी साइड रोड पे चले गए हैं, मतलब वैसे ऑफ रोड सेक्शन है तो जा सकते हैं, बट वो भी तब जा रहे हैं जब कोई व्हीकल उधर से नहीं आ रहा है। ऑल्सो कोई रॉन्ग साइड तो जा ही नहीं रहा हो, तो चलो वो तो है ही नहीं पॉसिबल, वो तो इनके जीन्स में नहीं, कर ही नहीं पाएंगे इनको कह दो तो भी। बट बीच में ना आगे की तरफ थोड़ा सा अगर आप उधर दिखाओ वेद भैया, तो एक गाड़ी खड़ी है, आई विल ट्राई कि मैं जूम करके पोस्ट में दिखाऊं, वहां पे एक छोटा सा सेक्शन है जो कि यू टर्न मारने के लिए बना हुआ है, मतलब इस रोड से उस रोड पे जाने के लिए बना हुआ है। एंड ट्रस्ट मी वो सेक्शन जो है लोगों ने अभी भी खाली छोड़ रखा है, वहाँ पे जो है लोगों ने अभी भी गैप छोड़ा हुआ है, मतलब ये गाड़ियाँ खड़ी उनके बीच, अब जैसे थोड़ा सा आगे चली गई दो तीन गाड़ियाँ, टेक्निकली हमें भी जाना होगा बट क्योंकि दो तीन गाड़ियाँ आगे गई है तो हॉर्न वॉन कोई नहीं बजाएगा, उनको पता है कि जाम तो खुला नहीं है, खड़े रहने दो बच्चे वीडियो बना रहे बना। अरे बाय द वे विंड मिल लग रही है, मैंने तो अभी नोटिस किया वहाँ पे, आपने देखा पहले? एनीवे तो जिस तरीके से वो जो रिकवरी व्हीकल था वो थोड़ा तेज गया था, यहाँ पे वैन आई, दीदी ने बंद कर लिए, देख लिया उन्होंने पुलिस वाले आ रहे हैं, ये पुलिस वैन जो है वो तेज़ नहीं जाएगी क्योंकि ऑब्वियसली इनको पता है कि हमें वहाँ जाके कुछ करना नहीं है, पूरी फ्लैश करी भाई, इनकी DRL भी फ्लैश होती है पुलिस वालों की, टुई 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 DRL जो है वो फ्लैश करते हुए जा रहे हैं लोग। नाइस डॉज डुरांगो 80, ऑल टेरेन वाला 80 है, ना कि ऑटोमेटिक वाला 80 है। चलो आप जो है, हाँ वीडियो एंड कर देते हैं फिलहाल, इस वीडियो में इतना ही है, छोटी सी वीडियो में को ऐसी बनानी थी, आपको दिखाना था कि चीज़ें क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं रोड डिसिप्लिन के मामले में जो हमें सीखनी चाहिए। ऑब्वियसली हमारे यहाँ इंफ्रा की प्रॉब्लम है तो हम उतना अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते हैं, हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम है रोड, लोगों को रोड पे नियम नहीं पता है, कई लोगों को पता है वो बोलते हैं यार बाकियों को नहीं पता है, तो हम फॉलो करके क्यों बेवकूफ़ लगे और वो सब चीज़ें, बट फिर भी मतलब बोलता ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो आप अपने हिस्से का काम करोगे धीरे धीरे बाकी चीज़ें हो जाएगी, वैसे वाला सिस्टम है यहाँ पे। बट ये बातें हैं फिलहाल, तो दीदी ने बैग वैग यहीं खोल लिए बोले जाम तो खुलना नहीं डाला, यहीं शुरू कर देते, हम भी कुछ खाने पीने का ले आते तो खा लेते, बट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो बनना ही बनाया, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद।